दोस्तों, आपने कई खूबसूरत और अद्भुत जंगलों के बारे में सुना होगा या देखा होगा, लेकिन जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट की खूबसूरती आपको प्रकृति की दूसरी दुनिया में ले जाएगी। भले ही इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है, लेकिन असल में यह बेहद ही खूबसूरत और प्रकृतिमय है। ये जंगल नेचर लवर और फॉरेस्ट लवर के लिए एक स्वर्ग जैसा है। जर्मनी के बादेन वुर्टेमबर्ग में स्थित यह फॉरेस्ट पूरी तरह पेड़ों और पहाड़ों से घिरी हुई है। दरअसल रोमनों ने इस हरे भरे खूबसूरत जंगल का नाम ब्लैक फॉरेस्ट रख दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी इसके अंदर नहीं जा पाती थी, जिसके कारण इस जंगल में दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। यह जंगल पूरी तरह पहाड़ों और घाटियों से घिरी हुई है, जिसके कारण इसे एक पर्वत श्रृंखला के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ फेल्डबर्ग है, जिसकी ऊंचाई 1493 मीटर है। आयताकार शेप में बनी इस जंगल की लंबाई 200 किलोमीटर और चौड़ाई 60 किलोमीटर है। वैसे तो पूरा फॉरेस्ट ही देखने में शानदार लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जंगल के मिडिल में जाएंगे, इसकी खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। इस फॉरेस्ट के अंदर से ही किंजिंग नदी गुजरती है, जो कि इस जंगल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। इसके अलावा यहाँ पर कई छोटी छोटी पहाड़ी झीलें हैं, जहाँ बैठने पर आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। ब्लैक फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा देवदार और चीड़ के पेड़ मिलेंगे, लेकिन इस खूबसूरत जंगल में कुछ क्षेत्रों में लकड़ी की अत्यधिक कटाई के कारण ये नष्ट होते जा रहे हैं। लोग यहाँ के पेड़ों को अपने उपयोग के लिए काट रहे हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सन 1999 ईस्वी में सैकड़ों एकड़ में पेड़ों की कटाई की गई थी, जिसके कारण कई पहाड़ की चोटियाँ वीरान लगती है। यहाँ केवल घास फूस और छोटे देवदार के पेड़ ही बचे हैं। जैसे जैसे आप इस जंगल के नीचे आएंगे, आपको पैदल रास्ते बने हुए मिलेंगे। इन जंगलों में बने इन रास्तों की लंबाई 20,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इन रास्तों की देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ के ब्लैक फॉरेस्ट सोसाइटी के मेंबर की है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट की सेफ्टी का जिम्मा भी इन्हीं के ऊपर रहता है। इसके अलावा अगर आप माउंटेन बाइकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से रास्ते बनाए गए हैं। इस जंगल में घूमने के साथ साथ आप यहाँ वन्य जीवों का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक से एक दुर्लभ जीव आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ब्लैक फॉरेस्ट फॉक्स भी देख सकते हैं। यहाँ पक्षियों की बहुत प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को यहाँ के रंग बिरंगे पक्षी बहुत भाते हैं। इसके अलावा इस फॉरेस्ट में कई ऐसे पुराने शहर हैं जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिनमें स्टॉकेन, सिल्टॉक, हासलॉक और गैंगनबाग शामिल है। यहाँ पर एक ओपन एयर म्यूजियम भी है, जहाँ ब्लैक फॉरेस्ट के 16वीं और 17वीं शताब्दी के किसानों के जीवन को दर्शाया गया है। मध्ययुगीन काल में यहाँ काफ़ी सारे खदाने थी, जिनमें से कुछ को अब जनता के लिए खोल दिया गया है। इस जंगल में लकड़ी पर नक्काशी क्षेत्र का एक पारंपरिक कुटीर उद्योग है। यहाँ ये काम 18वीं सदी के शुरुआत से ही किया जा रहा है, और इसका अधिकतर विकास भी यहीं हुआ है। अगर खाने पीने की बात करें, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट हैम तथा ब्लैक फॉरेस्ट केक काफ़ी फेमस है। यहाँ का चेरी केक भी बहुत स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, आप भी खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी को देखना चाहते हैं, कभी जर्मनी जाना हुआ तो इस अद्भुत ब्लैक फॉरेस्ट को देखना मत भूलिएगा।